नमस्कार, मैं हूं ज़ोहरा फातिमा और आप देख रहे हैं देशहित न्यूज़। आज कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को नेशनल हेराल्ड केस के मामले में ईडी दफ्तर बुलाया गया था। इसी कड़ी में आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं और सांसदों की तरफ से भारी संख्या में कांग्रेस दफ्तर और ईडी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन देखने को मिला। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री मोदी पर आरोप लगाया कि जब मोदी डरता है ईडी को आगे करता है। तो इस सवाल को लेकर हमारे संवाददाता ने वहां मौजूद कई बड़े नेता और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से बात की। तो आइए आपको सीधा दिखाते हैं कि इस मामले पर उन्होंने क्या कुछ कहा। यहां पर हमारे साथ मौजूद है राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, हम इनसे बात करेंगे। सर जब मोदी जब से डरता है ईडी को आगे करता है सर, लेकिन सर मोदी ये कहती है तब तो आपको कोऑपरेट करना चाहिए सर। तो कोऑपरेट कर रहे हैं, सोनिया जी गई है वहाँ पर, कोऑपरेट कर रहे हैं, पर ये हमारा अधिकार है धरना देने का, प्रदर्शन करने का। ईडी के जैसे बनता ही नहीं है, फिर बनाया आपने यूँ। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है कन्हैया कुमार सर। सर आपसे बस एक ही सवाल पूछूंगा सर, आप लोग कह रहे हैं कि जब जब मोदी डरता है ईडी को आगे करता है, पुलिस को भी आगे, हाँ पुलिस को भी आगे करता है, आप लोग ये कह रहे हैं, लेकिन वही बीजेपी कह रही है अगर गलत नहीं तो डरने की कोऑपरेट क्यों नहीं कर रहे, प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? कहाँ कोऑपरेट नहीं किए हैं? राहुल गांधी 50 घंटा पूछताछ हुआ उनके साथ, कोऑपरेट नहीं किए, 50 घंटे की पूछताछ नहीं हुई। देश के पूर्व गृह मंत्री को जबरदस्ती जो है ये लोग जेल में रख दिए, कोऑपरेट नहीं किए। कौन सा कानून नहीं मान रहे हैं? डरते नहीं हैं, जिनके भीतर डर होता है, कहते ना कि मन का भीतर सहदेव भी जाने। जो डरते हैं, जो डरे हैं, जो इस देश के आजादी के आंदोलन में हिस्सा नहीं लिए हैं, जो 50 साल तक तिरंगा नहीं फहराए हैं, वो डरते हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं डरते। अच्छा, सोनिया गांधी जी बीमार हैं, इसके बीच में उनको ईडी सम्मन करी, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे और जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? बस देखिए, दया, करुणा, भावना, मानवता, इंसानियत, ये सब बीजेपी के लिए नहीं है। बीजेपी देखिए, भाजपाई के लिए क्या है? भाजपाई, दंगाई, तबाही, महंगाई, ये है। पहले आप लोग रोटी में घी लगा करके खाते थे, अब 5% का जीएसटी। सर ये लो सर, हर मुद्दे पे प्रोटेस्ट करते हैं सर, लेकिन सर बेरोजगार वगैरह पे प्रोटेस्ट नहीं करते सर। अभी संकल्प मार्च किया था उन्होंने, लेकिन ये प्रधानमंत्री से पूछिए जब प्रेस कॉन्फ्रेंस। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है इंडियन नेशनल कांग्रेस के पूर्व लोकसभा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। सर आपसे सर एक ही सवाल पूछना चाहूंगा सर, जैसे कि सर आप लोग कह रहे हैं कि मोदी जब जब डरता है मोदी को आगे करता है, वहीं पर सर बीजेपी ये कह रही है कि अगर डरता है तो आप लोग प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? अगर आप लोग सही है तो आप लोग कोऑपरेट कीजिए ईडी के साथ, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? वो तो चले ही गए, ये तो उन्होंने कहा हमें, ये तो हमारा हमारी हमारी भावना है भाई। जिस परिवार ने, जिनके हस्बैंड ने बम से टुकड़े टुकड़े हो गया हो इस देश के लिए, वो देश के लिए कोई गलत सोचेगा? जिनकी मदर इन लॉ देश के लिए प्राइम मिनिस्टर होते हुए शहीद हो गए, तो वो देश के लिए कोई गलत सोचेगा भाई? आप इस बात के लिए सोचो तो सही। और जब यूपीए रही 10 साल डॉक्टर मनमोहन सिंह, एक माइनॉरिटी, एक सिख को प्रधानमंत्री बना के रखा, अगर वो चाहते ये चीज़ें तो वो प्रधानमंत्री बनते। तो अगर वो सब चीज़ों का त्याग कर सकते हैं तो ये ईडी फीडी ये क्या है? ये तो लाखों करोड़ों की बात, क्या आप क्या क्या उनके ऊपर डाल लोगे जिन्होंने इस देश को बनाया है? इस देश को बनाने के लिए जितना उनका बलिदान है वो याद करो। ये मोदी जी क्या कहते हैं, आप बीजेपी क्या कहती है, ये धीरे धीरे लोगों को समझ आ जाएगी और वो दिन पास ही है जब ये चीज़ लोगों को समझ आ जाएगी। अच्छा सर, तो सर जैसे सर आप लोकसभा के भी मेंबर रह चुके हैं सर, तो सर आपको क्या लगता है सर कि आने वाले लोकसभा चुनाव में क्या तख्ता पलट होगा? नहीं, अभी तो लड़ाई बहुत लंबी है, अभी तो 2 साल पड़े हैं, 2 साल पहले तो कई स्टेट इलेक्शन हैं और हैं, अभी इतनी जल्दी अगर मैं कोई बात करूंगा वो मैं समझता हूं उसका कोई मतलब नहीं। सर एक सवाल सर जनता के द्वारा उठाया जा रहा है कि अगर सोनिया गांधी जी गलत नहीं है तो फिर ये प्रोटेस्ट क्यों, आपको तो ईडी के साथ कोऑपरेट करना चाहिए। देखिए, देश का लोकतंत्र, देश का संविधान और देश का कानून, जो संवैधानिक संस्थाएँ बनी हैं उसके कुछ नियम हैं और उसके चलते हुए सिर्फ राजनीतिक द्वेष के कारण और सिर्फ छवि धूमिल करने के लिए और देश में लोगों में एक भ्रांति पैदा करने के लिए प्रयत्न है। देश का पूरी कांग्रेस कार्यकर्ता, कांग्रेस का परिवार एकजुट होकर सोनिया जी के साथ डटकर खड़ा है। मैम आप क्या कहना चाहेंगी? मैम जब जब मोदी डरता है ईडी को आगे करता है तो बीजेपी तो ये कह रही है, बीजेपी तो ये कह रही तो तब तो आपको कोऑपरेट करना चाहिए, अगर गलती नहीं है तो प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? प्रोटेस्ट करना हमारा अधिकार है, प्रोटेस्ट लोकतंत्र का गहना है और हम अपना अधिकार है उसके तहत प्रोटेस्ट कर रहे हैं अपने। सर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? सर नरेंद्र मोदी अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं
और जिस तरह से ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग कर रहे हैं ये देश के लिए अच्छी बात नहीं है और राजनीति और प्रजातंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। सर वो तो कह रहे हैं आपको तो कॉपरेट करना चाहिए, गलती नहीं तो प्रोटेस्ट क्यों? हम लोग कॉपरेट कर रहे हैं, ये ईडी इसकी जाँच कर चुकी थी और इसमें नेट इनक्लीन मैडम को दे चुकी थी।